क्यों हो रहा है ये? Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13, साउंड, आवाज. इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने ऑलरेडी दो पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं. लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि आवाज क्या होती है, साउंड क्या होता है. सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि ये आवाज, ये साउंड निकलती कैसे है. जैसे हम इंसान ही अगर बोलते हैं तो ये आवाज कैसे निकलती है. इन दोनों पार्ट्स की लिंक ऊपर आपको आई बटन पर एक एक करके मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर इन लिंक्स को प्राप्त कर सकते हो. अब ये थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यार अगर कहीं से आवाज आती है तो वो हमारे कानों को सुनाई कैसे देती है. इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे पूरा चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 मतलब लास्ट पार्ट बेस है. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि एजुकेशनल हाइक्स एक मंदिर है और मंदिर में घंटा बजाना अनिवार्य होता है. चलो, द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर सीट. हमें यहां से स्टार्ट करना है. पिछले पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड हम पार्ट 1 और 2 में पढ़ चुके हैं. द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर सीट. अगर आपने ये वाली एक्टिविटी की होगी, जैसे ये चिंटू कर रहा है. चिंटू क्या किया? चिंटू ने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली. ये माजा का बॉटल लग रहा है पूरा, ठीक है. ऊपर से उसको कट कर दिया और नीचे से उसको कट कर दिया. अब क्या किया इसने? ऊपर से इसने गुब्बारे को स्ट्रेच करके, गुब्बारे को खींच करके लगा दिया और उस गुब्बारे पर कुछ ग्रेन्स रख दिए. उसने कुछ चने के दाने रख दिए, कुछ गेहूं के दाने रख दिए और नीचे से आवाज कर रहा है. और जैसे इसने आवाज की तो इसने देखा कि ये रबर सीट वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से दाने ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है. अब हमें ये बहुत रिलेट करने वाला है यहां पर. द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर सीट. जो हमारे कान का पर्दा होता है ना, वो उसी खिंचे हुए गुब्बारे की तरह होता है. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. जैसे यहां से आवाज निकल रही है तो यहां वाइब्रेशन हो रही है ना, वैसे ही यहां से आवाज, हमारे कानों के अंदर आवाज आती है तो इस रबर से हमारे कान के पर्दे जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है. समझ में आया? द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. उसके बाद इस कान के पर्दे से, ये जो ईयर ड्रम है, इससे जो वाइब्रेशन होती है वो इनर ईयर तक पहुंचती है. फिर इनर ईयर हमारा, जो इनर हमारा अंदरूनी कान होता है, वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को और इस तरीके से हमें कोई भी आवाज सुनाई देती है. समझ में आया? फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हियर. नाउ आगे, अब यहां पर पहली क्या पूछ रही है? पहली कह रही है कि वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू आवर ईयर. हमें कोई भी नुकीली चीज अपने कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना. पापा मम्मी हमें डांटते हैं जब हम पेंसिल अपने कान के अंदर पॉइंट कर लेते हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. ये जो हमारा रबड़ वाला जो कान का पर्दा है ना, इसको डैमेज कर देगा, जिससे हम बहरे तक हो सकते हैं. इट कैन इम्पेयर हियरिंग. समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक नंबर 13.5. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? साउंड. जहां आवाज है वहीं तो वाइब्रेशन है ना. तो साउंड की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक होता है एम्पलीट्यूड. ये क्या होता है भैया? बताएंगे अभी हम. टाइम पीरियड, ये क्या होता है भैया? बताएंगे इसे भी. फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं हम? आपने नाम तो सुना होगा इन तीनों वर्ड्स का. इसे कहते क्या है? कौन सी चीज को हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कहते हैं? इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज अपने आप से, ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? वो वाइब्रेट कर रही है. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. चलो मैं आपको एक साउंड वेव से समझाता हूं. जो साउंड की वेव्स होती है ना, वो कुछ इस तरीके से जाती है. आप देख रहे हो एक लाइन खींची हुई है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट, ठीक है. ये एक बार टू
ये जो साउंड की वेव्स है, एक बार टू, टू का मतलब आगे जा रही है, फिर एक बार पीछे, फ्रो, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। समझ में आया? अब देखो यहां पर एक और टर्म निकल कर आया है जिसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो साउंड वेव्स होती है वो आगे और पीछे, मतलब टू एंड फ्रो चलती है। जैसे देखो लड़कियां क्या करती हैं, वो कैटवॉक करती हैं ना, टिक टॉक टिक टॉक, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम कहते हैं कि ये लड़की कैटवॉक कर रही है। सेम इसी तरह से जो साउंड वेव्स होती हैं वो आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, पहले आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, तो इस मोशन को, इस साउंड वेव्स की इस चाल को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. तुमने अपने पिछले classes, class 7th में पढ़ा है कि oscillatory motion क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 10 सेकेंड पीछे करके यही वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इट्स टाइम पीरियड, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था। टाइम पीरियड आपको मैं बता दूं कि एक ऑसिलेशन, मतलब एक बार आगे जाने में और एक बार पीछे जाने में, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लगता है, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारी आती है फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब, अब देखो मैं आपको समझा दूं, अगर कोई भी साउंड वेव है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये साउंड वेव है, ये एक बार आगे और एक बार पीछे एक सेकेंड में जाती है, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक है फ्रीक्वेंसी। और अगर यही एक सेकेंड में दो बार आगे पीछे जाती है तो हम क्या कहेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी दो है। अगर यहीं पर ये चार बार आगे पीछे जाती है एक सेकेंड में, हम उसे कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? चार है। समझ में आ रहा है अब आपको कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अब किलोमीटर हम लंबा सा तो लिखते नहीं है, वैसे ही हम हर्ट्ज को भी बहुत लंबा सा तो लिखेंगे नहीं, तो एक सिंबल है एच जेड। अगर आप हर्ट्ज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल एच और जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्ज इज वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब यहां पर थोड़ा सा मैथ इसने लगा दिया है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक बार ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट का मतलब एक बार आगे और एक बार पीछे जाती है, तो हम कहेंगे कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है? वन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। अगर यही एक सेकेंड में 10 बार आगे पीछे कर रहा है तो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है? 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। सेम इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन इसने पूछा है। इसने पूछा क्या है? इसने कहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है, मतलब 20 बार आगे पीछे करता है एक सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल सा था, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फैमिलियर साउंड्स विथाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम, हाउ इज इट पॉसिबल? अब आपको क्या करते हो ना यार, आप जो अलग अलग आवाज आ रही होती है आपके सराउंडिंग में, जैसे कोई गाड़ी की हॉर्न की आवाज होती है, आप पहचान जाते हो कि हाँ ये तो गाड़ी की हॉर्न की आवाज है। किसी ने दरवाजा खोला तो आप पहचान जाते हो, हाँ यार ये तो दरवाजे की आवाज है। तो आप इस हॉर्न की आवाज को, इस दरवाजे की आवाज को, या कोई भी आवाज हो इस अपने सराउंडिंग में, अपने अगल बगल, आप उसको पहचानते कैसे हो कि हाँ ये आवाज गाड़ी से आ रही है, हाँ ये आवाज टीवी की है, हाँ ये आवाज फ्रिज की है, हाँ ये आवाज कोई बोल रहा है? आप कैसे पहचानते हो?
कैसे पहचानते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। इन आवाज में कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही होगा ना, तभी तो तुम पहचान पाते हो। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, क्या तुमने कभी सोचा है कि किन कारणों की वजह से, किन वजह से, कौन सा रीजन ऐसा है जिसकी वजह से हमें, हम आवाज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम दो अलग अलग आवाजों को पहचान लेते हैं। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं? तो मैं आपको बता दूं यार कि आवाज की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड और फ्रेक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम किसी भी आवाज को अलग अलग पहचान सकते हैं। अब यहां पर आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जो हमने ऊपर पढ़ा वही आपसे नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि क्या हम आवाज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी चिल्ला रही है, ठीक है, और आपके पापा चिल्ला रहे हैं। अब इस आवाज को तुम पहचानोगे कैसे कि यार ये तो मम्मी की आवाज है, ये पापा की आवाज है? तो दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। उन्हीं के बेस पर हम दो आवाजों को अलग अलग पहचान सकते हैं। समझ में आया? सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रेम पांडे और आज हम करने वाले हैं साउंड चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलेंगी दो चीजें। कौन कौन सी चीजें भैया? एक तो हमें पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, दूसरा हमें पता चलेगा कि हाउ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स कि अगर हमारी आवाज ऊंची है एम्पलीट्यूड भी हाई है, अगर हमारी आवाज लो है तो एम्पलीट्यूड भी क्या है? लो है। हम यही चीज को विद एक्टिविटी चेक करने वाले हैं। अभी तक हम एक्टिविटी सिर्फ पढ़ते थे, अब हम एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस एक्टिविटी को करने में। फिर से ध्यान से सुन लो, इस एक्टिविटी में हमें दो चीजें पता करनी है। पहली चीज पता करनी है कि भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। दूसरा हमें पता चलता है कि कैसे एम्पलीट्यूड पर आवाज की लाउडनेस डिपेंड करती है। हमारी आवाज लाउड है तो एम्पलीट्यूड भी हाई है। इसी चीज को हम इस एक्टिविटी में चेक करेंगे। आपको कौन कौन सी चीज चाहिए इसके लिए? एक चाहिए आपको टम्बलर, ग्लास चाहिए, स्पून चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए ये थर्माकोल का बॉल। दिख रहा है ये बॉल आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा या घर में भी होगा। ये छोटा सा बॉल है, ठीक है, और ये थ्रेड लगा हुआ है, ऊपर धागा लगा हुआ है, ठीक है। ये तो ये तीन चीजें आपको चाहिए ये एक्टिविटी करने में। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, स्पून को लेंगे, इसके किनारे ये जो ब्रिम दिख रहा है ना, ब्रिम का मतलब होता है किनारा। ये जो किनारा है ना, इसको हम एक बार धीरे से प्रेस करेंगे, फिर एक बार तेज से स्ट्राइक करेंगे। कैसे? एक बार हमने धीरे से किया, तेज से किया। जब धीरे से किया तो आवाज कम आई, तेज से किया तो आवाज ज्यादा आई। फिर से सुनो, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम जब तेज से स्ट्राइक कर रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर हम धीरे से स्ट्राइक कर रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। यही चीज चेक करेंगे इस एक्टिविटी में। चलो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लेना है ये बॉल और लेना है ग्लास, और दोनों को एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में रख देना है, ठीक है, सेम ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो फिंगर दिख रही है आपकी, ये वाली फिंगर, एक बार ग्लास को एकदम जेंटली पुश करो, मतलब हल्का सा स्ट्राइक करो, ठीक है। देखो जब हम इसको एकदम सॉफ्टली स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर भी बॉल जो हमारी है कुछ दूर तक जा रही है कि नहीं, ये देखो जा रही है। तो ये जितनी डिस्टेंस बॉल कवर कर रही है, यही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। फिर से देखो अगर इस ग्लास को हम यहां से स्ट्राइक करें, बॉल कुछ दूर गया ना, तो वही होता है एम्पलीट्यूड। अगर हम एकदम सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे तो बॉल थोड़ा कम दूर जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड छोटा है। और अगर यहीं पर हम इसको तेज से स्ट्राइक करें, बॉल देखो दूर तक जा रही है, ये देखो बॉल दूर जा रही है ना, इसका मतलब क्या है, हमने तेज से स्ट्राइक किया तो एम्पलीट्यूड
ज्यादा है। सिंपल सी बात है यार, अगर धीरे से स्ट्राइक करेंगे आवाज कम आएगी और एम्पलीट्यूड भी कम होगा। और वहीं पर अगर हम इसको तेज से स्ट्राइक करें, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और आवाज भी लाउड होगी। समझ गए कि कैसे जो हमारी आवाज का लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करता है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस प्यारी सी एक्टिविटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है देखते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। आपको यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज का इसने यूज किया है, इसका मतलब क्या है चलो एक एग्जाम्पल से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसे जानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर हम किसी भी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को दो गुना कर दे। जैसे देखो मैं यहां पर आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर मैं आपको दो लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। हमारी साउंड वेव्स ऐसी ही तो जाती है ना। चलो तो हमने कर दिया ऐसे, इसमें हमने थोड़ा सा ऊंचा साउंड रखा है इसलिए बड़ा कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड दो गुना हो जाए, जैसे इसमें जो एम्पलीट्यूड है नॉर्मल पॉइंट से लेके इसके बीच के डिस्टेंस को ही तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, तो यहां पर क्या है, यहां पर एम्पलीट्यूड छोटा है, यहां पर क्या है एम्पलीट्यूड मैंने दो गुना कर दिया है। तो कह रहा है कि अगर मैं हमने अपना एम्पलीट्यूड ट्वाइस कर दिया, दो गुना कर दिया, तो जो लाउडनेस होती है ना साउंड की वो इंक्रीज हो जाती है कितने गुना, चार गुना। कैसे भैया ये कैसे हो गया, यहां देखो, यहां पर देखो एम्पलीट्यूड छोटा था आवाज कम आ रही थी, यहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है आवाज टू भी जाएगी, मतलब आगे भी जाएगी और उतना ही पीछे भी तो जाएगी ना भाई, दो आगे और इतना ही पीछे, तभी तो एक साउंड वेव कंप्लीट होगा ना। तो दो आगे का दो पीछे का मिला के चार गुना आवाज तेज हो जाती है। यही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो आवाज जो होगी हमारी वो फीबल होगी, फीबल का मतलब धीमे होगी, और अगर वहीं पर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो आवाज हमारी कैसी होगी, लाउड होगी, एकदम कड़ी होगी। समझ गए ना। चलो आगे यहां पर कहा गया है कि जो लाउडनेस होती है उसको हम डेसिबल डी और बी में मेजर करते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था आपको, हम किलोमीटर को के एम लिखते हैं ना, वैसे ही डेसिबल को डी बी लिखा जाता है। और डेसिबल किसकी यूनिट है, मैंने अभी बताया आपको, लाउडनेस ऑफ साउंड। बेटा थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चीजें हैं जो आपको फैक्ट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, द फॉलो टेबल गिव सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। इस टेबल में ना अलग अलग सोर्सेस से आने वाली जो आवाज है वो कितने डेसिबल की है वो यहां पर बताया गया है। जैसे देखो, सबसे पहला इसने रखा है कि जब हम सांस लेते हैं तो कितने डेसिबल की आवाज निकलती है, 10 डेसिबल की आवाज निकलती है। अगर हम धीरे धीरे फुसफुसाते हैं 5 मीटर की दूरी पर, जैसे एक बंदा यहां पर खड़ा है और एक बंदा 5 मीटर दूर खड़ा है, ये दोनों फुसफुसा के आपस में बातें कर रहे हैं, तो कितने डेसिबल की आवाज निकलेगी, 30 डेसिबल की आवाज निकलेगी। नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है एकदम नॉर्मली, चिल्लाकर नहीं भाई, एकदम नॉर्मली, तो कितने डेसिबल की आवाज निकल रही है, 60 डेसिबल की आवाज निकल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं, बिजी ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में कभी फंसे हो, एकदम गाड़ी की आवाज आती रहती है, व्हीकल्स की आवाज आती रहती है, मोटर की आवाज आती रहती है, ट्रैफिक पुलिस अपनी सीटी बजाता है, तो बहुत सारी आवाजें आती हैं, तो उस समय आवाज की जो लाउडनेस होती है वो 70 डेसिबल होती है। समझ गए। चलो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैफिक में कितनी आवाज आती है, तो आप बोल सकते हो ना कि भैया 70 डेसिबल आवाज आती है। एवरेज फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री चल रही है आपके घर के अगल बगल, जैसे मेरे घर के अगल बगल ना एक पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री कितनी आवाज निकालती है, वो 80 डेसिबल की आवाज निकालती है। कितनी, 80 डेसिबल की आवाज निकालती है। अब आप पूछोगे कि भैया 80 डेसिबल से ऊंची आवाज का क्या होता है, तो अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल से अगर ज्यादा कोई आवाज लाउड
लाउड है तो वो हमारे कानों को दर्द देती है, जैसे पटाखे की आवाज हो गई। अगर आप पटाखे की आवाज सुनते हो तो क्या करते हो, अपना कान बंद कर लेते हो ना, क्यों? क्योंकि वो अपने कानों को क्या करती है, दर्द देती है। दर्द देती है मतलब बहुत अजीब सा लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बहुत सीधी सादी सी बात कही गई है, कहा गया है कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड पीक पॉइंट, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आवाज लो है कि आवाज हाई है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा रहा, लार्ज रहा, तो जो आवाज होगी वो कैसी होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी, मैंने अभी आपको बताया था। और अगर एम्पलीट्यूड हमारा स्मॉल रहा, छोटा रहा, तो जो आवाज कितनी होगी, आवाज कैसी होगी, आवाज भी हमारी फीबल होगी। फीबल का मतलब कमजोर होगी, थोड़ी धीमी आवाज निकलेगी। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। आपको क्या करना है, एक देखो यहां पर देखो, दो एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू और ये है चिंटू के पापा। अब दोनों लोग एक साथ आवाज कर रहे हैं, क्या इन दोनों के आवाज में कोई डिफरेंस होगा? बच्चा अलग तरीके से आवाज करेगा और इसके पापा अलग तरीके से आवाज करेंगे। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, मान लो कि बच्चा जितनी तेज चिल्ला रहा है उतनी तेज इसके पापा भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके आवाजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। लेट अस सी हाउ, चलो देखते हैं कि कैसा अंतर है इनके आवाजों के बीच में। बच्चा है, बच्चे की आवाज सॉफ्ट होगी, पतली होगी, वहीं इसके पापा की आवाज थोड़ी मोटी होगी, थोड़ी मैनली वॉइस होगी। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर पहली सॉरी बूझो, बूझो क्या कह रहा है, बूझो कह रहा है कि मैं सोचता हूं कभी कभी ना यार कि टकला सोचने भी लगा है। बोल रहा है कि व्हेन माय वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माय टीचर, क्यों मेरी आवाज मेरे अध्यापक मेरे टीचर से मेरी आवाज क्यों इतनी ज्यादा डिफरेंट है। चलो अब हम पहली को सॉरी बूझो को बताएंगे कि क्यों ये इस बूझो की आवाज इसके टीचर से डिफरेंट क्यों है। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। अब पिच क्या होता है भैया, यहां तो आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे अभी आप मेरी जो आवाज सुन रहे हो इसमें मेरी आवाज का जो पिच है वो हाई है, समझ गए? अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो इसमें जो मेरी आवाज का पिच है वो लो है। देख रहे हो, जब पिच आवाज की लो होती है तो आवाज कैसे निकलती है, मर्दों जैसी, और वहीं पर पिच जब लो होती है तो आवाज कैसे निकलती है, औरतों जैसी, बच्चों जैसी, समझ गए ना। तो यही होता है पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। यहां पर क्या कहा गया है, ये देखो ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने क्या बताया था, एक सेकेंड में कितनी बार। यहां देखो ये जो सीटी की आवाज है वो एक सेकेंड में बहुत सारी बार निकल रही है, वहीं ड्रम की आवाज एक सेकेंड में थोड़ा कम निकल रही है। वही यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो साउंड होगा वो थोड़ा श्रिल होगा। श्रिल का मतलब तीखा होगा, तीखा का मतलब सीटी, जैसे सीटी बजती है ना उसकी आवाज आती है, सेम ऐसे ही आवाज होती है। और इसका पिच जो होता है वो हाई होता है। मैंने बताया ना आपको कि जो आवाज थोड़ी सी तीखी होती है, थोड़ी सी श्रिल होती है, उसका पिच क्या होता है, हाई होता है। जैसे अब आप मेरी जो आवाज सुन रहे हो इसका जो पिच है ये काफी हाई है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, और अगर वहीं पर हम साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर दे मतलब देखो इतना यहां पर कम है ना, तो जो हमारा साउंड होगा वो उसका जो पिच होगा वो काफी कम होगा। जैसे अब आप मेरी जो आवाज सुन रहे हो इसकी पिच काफी कम है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी।
चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो ड्रम है, जो स्कूल में आप ड्रम बजाते हो, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है और इसी के लिए देयरफोर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड। देखो ड्रम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है। अब देखो सीटी जो होती है वो लगातार बजती रहती है, लेकिन ड्रम जो होता है वो एक एक बार बजता रहता है ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। इसीलिए कहा गया है कि जो ड्रम है उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसलिए ये एक लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका पिच काफी लो होता है। ऑन द अदर हैंड, और उसी अगर हम दूसरी तरफ देखें ना यार, तो जो सीटी होती है, जो विशल होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी काफी हाई होती है और इसी के लिए इसकी आवाज, इसके साउंड का जो पिच होता है वो काफी क्या होता है, हाई होता है, हायर पिच होता है। समझ गए? अब यहां पर कुछ बताया गया है कि जो एक बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लॉयन मेक्स अ लो पिच्ड रोअर। अब ये जो चिड़िया की आवाज है, इसका जो पिच है ना यार, ये काफी हाई है, और यहीं पर जो शेर की दहाड़ है, इसका जो पिच है वो काफी लो है। क्यों? क्योंकि जो शेर दहाड़ता है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, चिड़िया अपना आवाज करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां पर पिच ज्यादा, जहां पर फ्रीक्वेंसी लो वहां पर पिच लो। चलो, however the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble। वो बात अलग है कि जो शेर आवाज निकालता है वो काफी ऊंचा होता है, वो काफी लाउड होता है, वहीं पर जो पक्षी की आवाज होती है वो काफी धीमी होती है, काफी फीबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। अब आप हर रोज क्या करते हो यार, कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज सुनते हो या बड़ों की आवाज सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? क्या आपको बच्चों और बड़ों की आवाजों में कोई अंतर दिखाई देता है? कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन ऑफ एन एडल्ट? अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो बच्चों की आवाज की फ्रिक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है बड़ों के मुकाबले? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि चलो मैं तुम्हें एक बच्चे की आवाज सुनाता हूं। देखो ये बच्चे की आवाज है, देखो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है और इसीलिए इसकी जो पिच है इस आवाज की वो भी ज्यादा है। अब देखो बड़े की आवाज सुन लो, What's up everyone, if you watch? इनके आवाज की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफी कम है और इसीलिए इनकी जो पिच है वो काफी कम है। वहीं यहां पर पूछा था कि जो बच्चों की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है बड़ों के मुकाबले। ठीक है, यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ अ मैन। यहां पर कहा गया है कि जो औरतों की आवाज होती है ना वो काफी श्रिल होती है, काफी तीखी होती है। तीखी होती है मतलब इसका जो पिच होता है वो काफी हाई होता है, और वहीं पर जो आदमी लोगों की आवाज होती है ये क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है और इसलिए इनकी आवाज की जो पिच होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, टॉपिक नंबर 13.6। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऑडिबल साउंड क्या होती है और इन ऑडिबल साउंड क्या होती है। ऑडिबल का मतलब ऐसी आवाज जिन्हें हम सुन सकें, इन ऑडिबल का मतलब ऐसी आवाज जिन्हें हम ना सुन सकें। तो ये दोनों आवाजें कौन सी होती है, हम कौन सी आवाज को सुन सकते हैं और कौन सी आवाज को नहीं सुन सकते हैं, इन्हीं चीजों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि अगर हमें आवाज प्रोड्यूस करानी है, किसी चीज से आवाज निकलवानी है, तो उस चीज को वाइब्रेट करना पड़ेगा। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? अब हम जानते हैं कि जहां वाइब्रेशन है वहीं पर आवाज है, लेकिन क्या हर वाइब्रेटिंग बॉडी, ध्यान रखना, क्या सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाज आप सुन सकते हो? कुछ ऐसी भी तो चीजें होंगी ना यार कि जो वाइब्रेट कर रही होंगी लेकिन आपके कानों को सुनाई नहीं देती होंगी। हम इन्हीं चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो, द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 20 हर्ट्ज़ जिसका मतलब होता है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर। यस, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ऐसी आवाजें जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ किसे कहते हैं, 20 बार ऑसिलेशन करना
एक सेकेंड में, ठीक है, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो यहां पर क्या कहा गया है कि ऐसी आवाजें जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, ऐसी आवाजें हमारे इंसान के कानों को सुनाई नहीं देती हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। ऐसी आवाजों को हम क्या कहते हैं कि ये आवाज, ये जो साउंड है, ये इनऑडिबल साउंड है। ऑन द अदर हायर साइड, यहाँ पर एनसीईआरटी में गलत कर दिया है इसने, हायर नहीं, यहाँ पर अदर होना चाहिए। ऑन द अदर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड are also not audible to the human ear. अब देखो, कम से कम आवाज की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो हमारे इंसान के कानों को सुनाई नहीं देगी। और अगर 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मतलब 20 किलो हर्ट्ज के बराबर अगर आवाज निकल रही, जैसे मीटर का बड़ा भाई किलोमीटर होता है ना, वैसे ही हर्ट्ज का जो बड़ा भाई है वो किलो हर्ट्ज है। तो यहां पर बताया गया है कि आवाज अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी की होती है तो वो भी आवाज हमें नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो आवाज काफी तेज होती है, ठीक है। आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे हमारे कानों को कितनी फ्रिक्वेंसी से कितनी फ्रिक्वेंसी तक की आवाजें सुनाई देती हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितनी भी साउंड होती है वो सब हमारे इंसान के कानों को सुनाई देती है, ना उससे कम ना इससे ज्यादा। चलो आगे, ये बॉक्स हमें फिर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने आ गया है। इस बॉक्स में हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की आवाजें भी सुन सकते हैं जो हम इंसान नहीं सुन सकते। वो कौन कौन से जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। डॉग्स के पास ये क्षमता होती है कि वो इसके ऊपर की भी आवाज को सुन सकें। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विशल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। पुलिस ना कभी बहुत दूर रहती है ना, तो वो इसी 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रिक्वेंसी का सीटी बजाती है ताकि कुत्तों को सुनाई दे सके और वो अपने मालिक के पास दौड़ के जा सके, ठीक है। आपने देखा ही होगा यार कि जो कुत्तों की स्निफिंग पावर होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। जानवरों को अर्थक्वेक आने से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है धरती के नीचे। दैट मीन्स कि जो अर्थक्वेक का साउंड होता है ना वो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होता है, जो हम इंसानों को नहीं सुनाई देता। इसीलिए तो कभी भी अचानक भूकंप आ जाता है, लेकिन जानवरों को पता चल जाता है कुछ देर पहले ही, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, वो हियर कर लेते हैं, साउंड को सुन लेते हैं। चलो अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा 13.7 नॉइज एंड म्यूजिक। ये शोरगुल क्या होता है, संगीत क्या होता है, हम इन दोनों चीजों के बारे में इस पॉइंट में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अपने अगल बगल बहुत सारी आवाजें सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, क्या हर आवाज हमें कानों को सुनने को अच्छा लगता है, मतलब क्या सभी आवाज आपको सुनना अच्छा लगता है। डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू, क्या कोई आवाज आपको पसंद नहीं है, वो आपको सुनना पसंद ना हो, हो सकता है। बहुत सारी आवाज़ हैं, जैसे कहीं बेबी रो रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है बेचारा, तो वो आवाज़ हमें सुनना पसंद नहीं है। सम साउंड्स आर प्लीजिंग टू द ईयर, कुछ आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लगती हैं और कुछ आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं। सपोज, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में ना किसी का घर बन रहा है, ठीक है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, क्या हर वो आवाज जो घर बनने में आती है, जैसे कुछ बीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो मिस्त्री है वो ईंटों को तोड़ रहा है, तो आवाज आएगी ना खट खट खट, क्या आपको सुनना पसंद है आवाज, नहीं। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाई हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, क्या जो बस के हॉर्न्स आवाज करती हैं पो 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 पो, ये आवाज सुनना आपको पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही आवाज, ठीक है, जो हमारे कानों को सुनना पसंद नहीं है, सच अनप्लीजेंट साउंड्स, इन्हीं को हम नॉइज कहते हैं, आर कॉल्ड नॉइज। शोरगुल क्या होता है, जो हमारे कानों को सुनना पसंद ना हो वही तो शोरगुल होता है, ठीक है। तो नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर।
चलो, इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर आप भी देखो यार, आप अपने क्लास में देख लो, अगर सारे बच्चे एक साथ बोले ना, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? अब जब आपका टीचर आपको शांत रहने के लिए कहता है तो क्या कहता है? डोंट मेक नॉइज। मतलब जब सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये शोरगुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो नॉइज का मतलब समझ गए, जो हमारे कानों को सुनना पसंद ना हो या जो आवाज जो हमें अच्छी ना लगे वो है नॉइज। ठीक है, चलो। On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बांसुरी, बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है? कृष्णा जी बजाते हैं, हाँ अच्छी लगती है। हारमोनिया, आपके घर में बजता होगा हारमोनिया, कैसा लगता है आपको सुनने में? अच्छा लगता है यार, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। ये जो संगीत की आवाज होती है ना, वो हमारे कानों को बड़ी अच्छी लगती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। जो आवाज हारमोनियम से निकलती है ना, वो एक संगीत की आवाज है, और संगीत की आवाज सुनना हमें बहुत पसंद है। चलो मैं आपको एक संगीत सुना देता हूँ। देखा दिन रात सारा दिन चलेगी कब जी, न खेलू क्लासिक या कभी वॉर मोड, गन रोजा मेरे पास जिसका न कोई। अब आगे चलते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। जो सितार की स्ट्रिंग होती है, जो धागे होते हैं ना सितार, सितार आपने अगर सितार ना देखा हो तो गिटार जान लो, गिटार सपोज कर लो, जो गिटार के धागे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वही म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, और अगर यही संगीत की आवाज, गाने की आवाज अगर बहुत ज्यादा तेज हो जाए, वुड इट रिमेन मेलोडियस? क्या अब भी ये आवाज सुरीली लगती है आपको? बिल्कुल नहीं लगती होगी। चलो नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे 13.8, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, शोरगुल क्या होता है, और शोरगुल से हमारा वातावरण, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो पल्यूट होता है, दूषित होता है, इसी को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, तुम एयर पोल्यूशन के बारे में जानते ही हो यार। अब 10 क्लास में था, चैप्टर नंबर 10 में था, चैप्टर नंबर 10 मैंने पढ़ाया नहीं अभी, चैप्टर नंबर 10 या 11 में है ऐसे ही। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बस, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 ही स्टार्ट करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आपने एयर पोल्यूशन के बारे में तो जाना ही है, आपने पढ़ा भी है कि हवा दूषित कब होती है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस, जब हमारे एयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तब हम कहते हैं हमारा एयर क्या हो गया है, पल्यूट हो गया है, हमारे एनवायरमेंट क्या हो गया है, एयर पोल्यूशन है। ओके, नाउ सेम इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स, और इसी तरीके से अगर आवाज, ऐसी आवाज आए जो हम सुनना पसंद ना करें, या ऐसी आवाज जो बहुत ज्यादा लाउड हो, इन आवाजों को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अगर हमारे एनवायरमेंट में ऐसी आवाज पसंद, ऐसे आवाज मौजूद हैं, जैसे देखो आपको मेरे वीडियो के पीछे भी एक आवाज आ रही होगी, ये आवाज क्या है? मेरे लिए नॉइस पोल्यूशन का काम कर रही है, समझ गए? तो नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कहीं पर भी एनवायरमेंट में ऐसी आवाज आ रही है जो कि आपको सुनना पसंद ना हो, तो वो क्या होती है? वो हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट कर रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। Can you list some sources of noise pollution? क्या आप कुछ ऐसे sources का नाम लिख सकते हो जिनसे शोरगुल होता है, जिनसे noise pollution होता है? चलो हम कुछ ऐसे sources के नाम जानते हैं। Major causes of noise pollution are sound of vehicles, गाड़ी मोटर की आवाज हो गई, पटाखों की आवाज हो गई, explosions, धमाके की आवाज हो गई, या पटाखों की आवाज हो गई, machines की आवाज हो गई, loud speaker की आवाज हो गई, ये कुछ sources हैं जहां से नॉइस पोल्यूशन होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ कैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज, आपके घर में वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आवाज आती है, चलो हम इसे भी जान लेते हैं। टेलीविजन, आपके घर में टीवी चलती है, आवाज आती है। ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर का मतलब होता है रेडियो, रेडियो चलता है, आवाज आती है, तो वो भी एक नॉइस पोल्यूशन का क्या हुआ, सोर्स हुआ। सम किचन अप्लायंसेस, कुछ किचन की चीजें हो गई, जैसे मिक्सी हो गया हमारा, ठीक है, और कुकर हो गया, तो ये क्या होते हैं, जब कुकर की सीटी आती है या जब मिक्सी चलती है तो ये सब एक्स्ट्रा नॉइज है, ये ज्यादा शोरगुल करती हैं, तो इसलिए ये भी नॉइस पोल्यूशन का काम करती हैं। डिजर्ट कूलर, हमारे घर में कूलर होता है ना, तो कूलर भी नॉइस पोल्यूशन करती है। एयर कंडीशनर, हमारे यहाँ एसी चलती है, हालांकि एसी तो उतना आवाज नहीं करती है, फिर भी जो दीवार में लगने वाली एसियां होती हैं वो थोड़ा आवाज करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो भी एक नॉइस पोल्यूशन का सोर्स हुई। ठीक है, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन का कारण हमारे घरों में होती हैं, इन्हीं वजह से हमारे घरों में नॉइस पोल्यूशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। हमने ये देख लिया कि नॉइज पोल्यूशन होता क्या है, कि जब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा नॉइज हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट क्या हो गया है, पल्यूट हो गया है, हमारे इन्वायरमेंट में नॉइज पोल्यूशन हो गया है। अब इस नॉइज पोल्यूशन से हमें नुकसान क्या है, हार्म क्या है हमें इस नॉइज पोल्यूशन से, चलो इसे देखते हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग मे कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि अगर हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है ना, तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, हमारी नींद खराब हो सकती है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है हमारा, एनेक्सिटी, हमें बेचैनी सी हो सकती है, और भी बहुत सारी हमें जो हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम नॉइस पोल्यूशन के अगल बगल रहते हैं, मतलब अगल हमारे सराउंडिंग में हमारे अगल बगल बहुत ज्यादा शोरगुल होता है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नींद नहीं आ सकती है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बेचैनी, एनेक्सिटी हो सकती है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमें हो सकती हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि वो इंसान हु इज एक्सपोज टू अ लाउड, जो जिसके अगल बगल हमेशा तेज आवाजें आती हो, जैसे डीजे वाले भाई साहब, देखो आप जानते हो डीजे वाले भाई साहब हमेशा डीजे वाली गाड़ी लेकर अलग अलग शादियों में जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका जो वातावरण होता है वो बहुत ज्यादा लाउड होता है, उनके अगल बगल बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कभी कभी थोड़ी दिन बाद ना उनको सुनाई कम पड़ने लगता है, या हो सकता है परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो जाए, या हो सकता है वो परमानेंट बहरे हो जाए, उन्हें कभी भी सुनाई ना दे। तो ये सारे जो हैं, ये सारी चीजें हमें नुकसान क्या है हमें नॉइस पोल्यूशन से, ये हमने पढ़ा यहां पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि नॉइस पोल्यूशन को हम रोक कैसे सकते हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस। यहां पर कहा गया है कि अगर हमें नॉइस पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है, अगर हमें नॉइस को कम करना है तो जहां से आवाज आती है पहले तो उसे कम करना होगा, हमें सोर्सेज ऑफ नॉइस को कम करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव, हम कैसे सोर्सेज ऑफ नॉइस को कम कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी, साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। यहां पर कहा गया है कि कुछ ऐसे सोर्सेज जिनसे आवाजें आती हैं, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, हवाई जहाज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हमारे यहाँ कार हो गया, स्कूटर हो गया, हमारी जो बाइक्स होती हैं हो गया, जो मशीन होती है इंडस्ट्री में, जो हमारे घर के अप्लायंसेज होते हैं, जैसे टीवी हो गया हमारा, ठीक है, और भी हमारी बहुत सारी चीजें हो गई, मिक्सी हो गई, कुकर हो गया, तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं ना, हम साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं। साइलेंसिंग डिवाइसेस मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना गाड़ियों में साइलेंसर लगा होता है, मतलब क्या होता है, गाड़ियों से ज्यादा आवाज ना निकले इसलिए साइलेंसर लगा दिया जाता है। सेम ऐसे ही इन सारी चीजों में भी कुछ ऐसा चीज लगा देना चाहिए, कोई ऐसी डिवाइस लगा देनी चाहिए जिससे इन सारी चीजों से भी आवाज
ना निकले, समझ गए? हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? चलो अब आपके एनसीईआरटी में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन पूछा भी हो। क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया मतलब ऐसा इलाका जहां पर लोग रहते हों, जैसे शहर में सोसाइटी हो गई, कॉलोनी हो गई, मोहल्ला हो गया, लोकेलिटी हो गई, गली मोहल्ला हो गया, वहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पर हम नॉइस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकेलिटी होती है या जो भी हमारा सोसाइटी होती है ना, वहां पर आवाज कैसे आती है? हो सकता है किसी के घर में डीजे बज रहा हो सकता है किसी के घर में टीवी बहुत ज्यादा तेज हो सकता है किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा तेज से झगड़ा कर रहा हो। तो यार बहुत सारे सोर्सेज होते हैं सोसाइटी में आवाज आने की। चलो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। यहां पर कहा गया है कि जहां पर लोग रहते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, वहां से काफी दूर पर जितनी भी चीजें हैं जिनसे आवाज निकलती है, जिनसे बहुत ज्यादा आवाज निकलती है, वो चीजें रेसिडेंशियल एरिया से दूर की जानी चाहिए। जैसे अगर फैक्ट्रीज हैं सोसाइटी में, अगल बगल कोई फैक्ट्री है लगी हुई है या कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो फैक्ट्री या वो इंडस्ट्री सोसाइटी के बाहर लगा देनी चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे विद सच एरियाज। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी मशीन्स जिनसे बहुत ज़्यादा और लगातार आवाजें आती हैं, उनको सोसाइटी से दूर कर देना चाहिए ताकि सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम ना हो। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हम सोसाइटी में पहुंचते हैं ना, जैसे ही हम अपने घर की तरफ चलते हैं या हम अपने घर पर पहुंच रहे होते हैं ना, हम बहुत तेज तेज से हॉर्न बजाने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। जो हम अपने घरों में टीवी बजाएं या लाउड स्पीकर बजाएं तो उसकी आवाज काफी कम हो। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स। यहां पर कहा जा रहा है, तो ये रोड है ना, रोड के अगल बगल हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और अपने घरों के अगल बगल, अपने सोसाइटी के अगल बगल भी पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो आवाज है वो काफी हद तक कम हो सके। समझ में आया? आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोग बहरे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जो टोटल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग होती है, मतलब जो कंप्लीट बहरापन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। मतलब वो पैदा होने के बाद नहीं होता, वो बर्थ से ही होता है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हो सकता है कि हम बहरे ही पैदा हुए हों। जो पार्शियल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग होती है, मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ समय बाद या कुछ एज के बाद ना इंसान को कम सुनाई देता है, वो होता है एज की वजह से। तो चलो ये सारी चीजें हैं इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है और ना ही आपके एक्सरसाइज में कुछ इससे पूछा गया है, तो आप इसे अपने पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की कीवर्ड्स और एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यार, और अगर वीडियो पसंद आया यार तो एक लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।